गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग बेटा। सुबह सुबह मॉर्निंग होती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं बैठी हूँ बालकनी में, थोड़ी देर ऐसे ही बारिश हो रही है जो देख रही थी। और क्योंकि मुझे कुछ काम नहीं था अभी, फिर उनके पापा नहा के आएंगे, उसके बाद में हम नाश्ता करेंगे, है ना मेरे को। और आज मम्मा ने क्या बनाया है नाश्ते में? क्या बनाया? बाटी। बाटी बनाई है। कल की ना दाल पड़ी थी ना रात की, इसलिए फिर मैंने सोचा चलो बाटी बना देती हूँ। तो बाल दाल बाटी खाएंगे सुबह सुबह, है ना मेहू। मेहू क्या खाएगी? खाना। मेहू क्या खाएगी? खाना। खाना खाएगी। खाने में क्या खाएगी? बाटी। बाटी, बाटी खाएगी। मेहू को बाटी बहुत ज्यादा पसंद है ना मेहू। तो गाइस ये हमारी बाटियां सिक चुकी है यहाँ पे। दाल भी गर्म हो रही है। मेहू तो छुप गई। मेहू कहाँ गई? मेहू मुझे देख नहीं रही है, कहाँ गई है? तो अभी मैं बस थोड़े से कपड़े धोने थे मुझे, वो धो के आई हूँ मैं। और मेहू को मैंने एक बार पैर काट के दिया है, वो खा रही है बैठ के। और मैं ना कपड़े धो रही थी तब तक उसने सारे खिलौने ला के यहाँ पे फैला दिए। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, सारे ला के इसने यहाँ पे फैला दिया और रिमोट तोड़ दिया पूरा, मतलब वैसे ही खराब ही था ये तो। और अभी दोनों डॉल को गोदी में बिठा के खा रही है मेहू। मैं एक बार तो इसके साथ बैठ के थोड़े से पैर खा लेती हूँ, क्योंकि पूरा तो ये नहीं खा पाएगी। और फिर मुझे नहाना है, इसको मैंने नहला दिया था पहले ही मतलब। और फिर देखते हैं क्या करते हैं। मम्मा को भी दो प्लीज। थैंक यू। मैं नहा नहीं जा रही थी, उससे पहले मुझे याद आ गया कि मेरे ना ये फेस मास्क रख रखा था, मतलब हस्बैंड लगा के गए थे। ये सन टैन वाला है, मतलब टैन रिमूवल का है, एवरयूथ का है शायद। तो हस्बैंड सुबह लगा के गए थे और थोड़ा सा बच गया था, तो फिर मैंने सोचा मैं लगा दूंगी नहाने से पहले। तो अब मैं इसको लगा के फिर थोड़ी देर बाद नहा लूंगी। और उससे भी पहले ना मुझे याद आ गया कि मुझे पानी पीना है। मैं ना हमेशा पानी पीना भूल जाती हूँ, और उस वजह से मुझे इतने ज़्यादा फिर ना हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो मैं पानी पी लेती हूँ पहले, और इसीलिए ना मैंने ऐसे बॉटल भर के रख रखी है, ताकि जब भी मुझे ना ऐसे याद आए तब मैं याद क्या मतलब ऐसे दिखती रहे मुझे कि हाँ मुझे पानी पीना है। बाकी पता नहीं मुझे प्यास ही नहीं लगती है और मैं पानी पीना भूल ही जाती हूँ। और यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी थी, और मैं बस आटा लगा रही थी, क्योंकि मेहू बोल रही थी कि मुझे खाना खाना है। वैसे मुझे ना बिल्कुल भी भूख नहीं थी इतनी कुछ, क्योंकि दाल बाटी खाने के बाद इतना कुछ नहीं रहता है भूख का। लेकिन मेहू की ना वो रोज़ की आदत है ना, कि मतलब मैं जैसे ही नहा के आती हूँ फिर वो बोलने लग जाती है कि बस अब मम्मा रोटी खाएंगे, अब खाना खाएंगे। उसको पता है रोज़ का, तो इसलिए वो बार बार बोल रही थी कि रोटी खानी है, रोटी खानी है। इसलिए फिर मैंने सोचा क्या पता उसको भूख लग रही होगी, तो फिर इसलिए मैंने थोड़ी सी रोटी उसके लिए बना दी। और वो तो दही वगैरह के साथ खा लेती, और मैंने फिर अचार के साथ ले ली थी दो रोटी। हेलो एवरीवन, तो अभी ना मैं ना बैठी बैठी बस ऐसे ही रील्स वगैरह देख रही थी। मैंने सोने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन पता नहीं मुझे नींद ही नहीं आई। मतलब एक बार नींद मुझे आ गई थी मेहू को सुलाते वक्त, और फिर मेहू नहीं सोई थी तब, फिर मुझे एकदम से नींद खुली। क्या पता मेहू कहीं चली तो नहीं, इसको नींद आई कि नहीं आई। तो फिर उसको तो नींद आ गई थी, लेकिन फिर मेरी नींद ऐसी उड़ी कि मुझे वापस नींद आई नहीं। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं आई। और फिर मैंने ना ये मैं आपको ज्वेलरी दिखाने आई हूँ, मतलब इयररिंग्स है ये, मेरे हस्बैंड लेके आए थे मेरे लिए। मतलब यहाँ पे हमारी यही उदयपुर में एक शॉप है, तो उनके वहाँ सेल चल रही थी ना, तो मैं रोज़ उनके पेज को ऐसे देखती थी ना स्टोरी वगैरह, तो रोज़ मेरे हस्बैंड को भेज देती थी मैं।
और वो मुझे बोलते रोज़ क्यों भेजते हो, मैंने बोला कभी कभार आपका मूड अगर सही होगा तो आप ऑर्डर कर दोगे, इस वजह से मैं रोज़ भेजती रहती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है देखेंगे कभी। तो फिर अभी बीच में ना हम दोनों की ना लड़ाई तो क्या मतलब, मैं ऐसे ही नाराज़ हो गई थी उनसे थोड़ी। तो फिर वो ना एक दिन गए थे सिटी, तो फिर वो लेके आ गए थे, तो मैं हम लोग को दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारे इयर रिंग्स है और अभी ना बहुत ज़्यादा चल भी रहे हैं ऐसे वाले, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है गाइस इयर रिंग्स और बहुत ही सुंदर है, मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे। और मुझे ना इसमें ग्रीन कलर चाहिए था, लेकिन ग्रीन कलर वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, वो बोल रहे थे ग्रीन में आए ही नहीं थे, मतलब ये सिर्फ रेड में ही थे, तो इसलिए फिर रेड में लिया। रेड में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं गाइस। ऐसा है मेरे हस्बैंड के मतलब मनाने का स्टाइल, मुझे मतलब ऐसा कुछ सॉरी वगैरह तो कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसा कुछ ना कुछ ऐसे कर देते ना, मैं अपने आप मतलब मान जाती हूँ। तो यही था, जल्दी मैं इनको पहनने वाली हूँ और रील्स वगैरह बनाऊँगी। वैसे तो कहीं ना मुझे मौका ही नहीं मिलता ऐसे पहनने का। और बस अब मैंने एक बार झाड़ू वगैरह निकाला है घर से, और बर्तन पड़े थे खाने के क्योंकि मैं ऐसे ही सो गई थी बर्तन वगैरह रख के, तो साफ़ किए। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, थोड़ा टाइमली बना लूँगी खाना, और मैं भी सो रही अभी तक, तो थोड़ा बहुत जो भी बन जाएगा। और आज मैं कड़ी मुट्ठी बनाने वाली हूँ, तो कड़ी के लिए छाछ, गले को पता नहीं क्या हो गया कड़ी के लिए छाछ हस्बैंड लेके आई, खट्टी वाली छाछ है, दही से जो बनाते हैं ना छाछ, फिर उसकी कड़ी सही नहीं लगती है मुझे, तो छाछ के लिए छाछ लेके आएंगे। तब तक मैं मुठिया वगैरह बना लेती हूँ। और मैंने ना चेंज कर लिया है, क्योंकि ना पता नहीं उन कपड़ों में मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, अब मैं उसको शायद नहीं पहनूंगी, मुझे वो ड्रेस अब नहीं कंफर्टेबल लग रही है, तो इसलिए मैंने चेंज कर ली है। तो चलिए अब खाना बनाते हैं। मैं उठ गई है। ओके ओके लोगों ने देखा कि मैं उठ गई थी, लेकिन उसको ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, चिड़चिड़ी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और वो ऐसे ही वापस सो गई है। तो मैंने उसे ना थोड़ी देर सोने ही देते हैं अब, क्योंकि जब तक उसकी नींद पूरी नहीं होगी ना तब तक वो नहीं उठेगी। और मैंने उठाया भी नहीं था, वो खुद से ही उठ के आ गई थी शायद इधर बर्तनों की आवाज़ सुन के। और अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ मुठिए, और तब तक फिर छाछ आ जाएगी तो फिर कड़ी बनानी रहेगी। तो ये है गाइस लौकी, और हस्बैंड लाए थे ना तो वो अच्छे से चेक करके नहीं लाए थे, तो ना ऐसे थोड़ी कड़क है, मतलब अपन देख के लाते ना ऐसे ही हूँ कि नाखून अच्छे से छुप जाए, लेकिन ये देख के नहीं लाए थे, तो ठीक है बनाते हैं अब इसकी। और आज मेरे पानी की बॉटल ना खाली नहीं हुई, बाकी तो इस टाइम तक पानी ख़त्म हो जाता है, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा ही बच गया, तो फटाफट से इसको पीते हैं। इसे ना शाम के बाद थोड़ा इतना ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, पूरे दिन जितना पी सकते हैं उतना पीना चाहिए। ज़्यादा तो नहीं पी सकती, थोड़ा थोड़ा ही पी सकती हूँ मैं तो। मुझे फटाफट से अब खाना बनाते हैं। तो मैं ना इस परात में ही मतलब लौकी घिस लूँगी ना, तो उसमें फिर आटा लेके आटा लगा लूँगी, उससे फिर ज़्यादा बर्तन नहीं होते, एक बर्तन में सब काम हो जाएगा मेरा। तो लौकी यहाँ पे मैंने आप लोग देख सकते हो घिस ली है, लेकिन इसमें ना बहुत ज़्यादा पानी है, तो इस पानी को मैं साइड में निकाल लेती हूँ। इसे मैंने पानी पे निकाल दिया है, इतना सारा पानी निकला है अंदर से। वैसे पूरी लौकी नहीं की थी मैंने, थोड़ी सी ये रख भी दी थी, मेहू के लिए कुछ बनाऊँगी इससे फिर मैं। तो बस अब इसमें आटा लगा के मतलब आटा डाल के आटा लगा लेती हूँ मैं। अगर आटे में पानी की ज़रूरत होगी तो फिर अपन ये वाला पानी ही यूज़ करेंगे इसमें। तो गाइस यहाँ पे मैंने आटा लगाने के लिए सब रेडी कर दिया है। आटे में मैंने डाला है तेल, फिर सारा अपने मसाले जो भी होता है, नमक मिर्ची धनिया पाउडर और हल्दी हो गई, और शक्कर डाली है मैंने इसमें। शक्कर मुट्ठी में बहुत मतलब थोड़ी थोड़ी मिठास आती है ना, मतलब लौकी की कुछ भी रेसिपी में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यही सब डाल के अब इस आटे को लगा लेना है,
और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर ये वाला पानी यूज़ करूँगी, बाकी मेरे से ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी की। तो फटाफट से मैं आटा लगा लेती हूँ। तो गाइस आटा मेरा लग चुका है यहाँ पे, और आटे को ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाना है क्योंकि वो जितना अपन टाइम लगाएंगे ना उतना गीला पड़ता जाएगा। और अब बारी आती है मुठिया बना के स्टीम करने की। तो स्टीमर मेरे पास नहीं है तो मैंने ना ये जुगाड़ लगाती हूँ, मेरे पास ये बड़ा वाला कुकर और ये जाली वाला मेरे पास एक है ऐसा। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें पानी डाल देती हूँ नीचे और स्टीम पे लगा देती हूँ, और यहाँ पे फिर मुठिया बना के मैं रख दूँगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फटाफट से मुठिया बना के रखते हैं। स्टीमर को तो स्टीमर में बहुत आसानी से रख के पका सकते हो, स्टीम कर सकते हो उनको। यहाँ मैं बना रही हूँ मुठिए, तो ये मैंने अभी पानी थोड़ा गर्म होगा ना फिर इस पर रखेंगे, तब तक मैं बना के रख रही हूँ। और ये ना हाथ में चिपकेंगे, तो एक तो बन गया, लेकिन अब मैं ना फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा सूखा आटा ऐसे लगाऊंगी तो इससे हाथ में चिपकेंगे भी नहीं, और फिर इसमें रखेंगे ना तो एक दूसरे से भी नहीं चिपकेंगे, क्योंकि कम तेल डाला है थोड़ा सा मैंने, तेल थोड़ा कम खाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए। तो मैं ये सारे मुठ्ठे बना लेती हूँ और फिर इधर रख के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने इस तरह से रख दिए हैं मुठ्ठे सारे स्टीम होने के लिए। गैस को ज़्यादा मतलब फास्ट नहीं रखना है, मीडियम ही रखना है, और बस अब इनको ढक के पकने देंगे और इनको कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही, और फिर देखते हैं। उठ चुकी है, अब मेरे पास ना ट्राईपॉड नहीं है, ट्राईपॉड मैंने मेमोरी तोड़ दिया था और अब मैंने लिया ही नहीं है उसके बाद में, इसलिए मैं ना अच्छे से दिखा नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ जल्दी एक अच्छा सा ट्राईपॉड लेने का और फिर अच्छे अच्छे रेसिपीज़ की वीडियो बनाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे बनाना दिखाना। तो चलिए अब मेहू के साथ थोड़ी देर खेलते हैं, अभी तक हस्बैंड आए नहीं है छाछ लेके, फिर कढ़ी की तैयारी करेंगे। ओके तो गाइस यहाँ पे मुठ्ठिए बॉइल्ड हो चुके हैं, स्टीम हो चुके हैं सॉरी, और मैंने चेक कर लिया है चाकू डाल के, और थोड़ी देर और होने दूँगी, और क्योंकि चाकू ना ऐसा आया है थोड़ा सा, तो थोड़ी सी देर और होने देंगे ना तो एकदम से अच्छे हो जाएंगे। और ये भी यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुकी है, बॉइल हो रही है, और बस एक बार इसमें और तड़का लगेगा। गाइस मुठ्ठे हो गए थे तो मैंने इनको काट दिया था ऐसे छोटे छोटे, और अगेन चढ़ा दिया है मैंने तेल कुकर में, मेरे पास बड़ी कढ़ाई नहीं थी तो फिर ये कुकर ही मुझे बेस्ट लगता है, तो इसमें मैंने चढ़ा दिया है तेल, और अब हम इन मुठ्ठियों को भी छोंक देंगे। तो इसमें जाएगा साथ में डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हम लोग थोड़ा तीखा ही खाते हैं, तो और नमक स्वाद अनुसार बस, और फिर इसको मिक्स कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पे रेडी है कढ़ी और मुठिया, और कैसी लगी आपको मुठिया की रेसिपी मुझे बताना कमेंट में,
और कढ़ी की रेसिपी ऑलरेडी मैंने बताई हुई है, तो बस ये रेसिपी ना मतलब मुट्ठे की मतलब मैंने कहीं पे भी देख के नहीं बनाए हैं ये, मतलब मेरे घर में जैसे बनते थे सेम वैसे मैंने बनाए हैं और ये हमें अच्छे लगते हैं। सबका टेस्ट अलग होता है, हमें इस तरह से खाना अच्छा लगता है। तो खाना वाना खा लिया और बर्तन साफ करके और मैं हूँ और उसके पापा चले गए हैं नीचे, गणपति के प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे और मैं नहीं गई क्योंकि मुझे बर्तन वगैरह साफ करने थे, प्लस मुझे थकान भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और फिर उसके लिए तैयार भी होना पड़ता है जैसे कि जा नहीं सकते, इसलिए मैंने थोड़ा सा आलस कर लिया। मैंने सोचा चलो कर ले जाऊँगी अब, और अब बस मैंने सब काम से फ्री हो गई हूँ, दही वगैरह भी जमा दिया मैंने और अब मुझे ना कुछ कपड़े पड़े हैं, इनके शर्ट्स हैं जो प्रेस करने हैं, मेरी भी एक कुर्ती वगैरह है जो मुझे प्रेस करके रखनी है क्योंकि ना सुबह सुबह ऐसा होता है कि आजकल लाइट नहीं रह रही है, ये जाते तब तक लाइट होती नहीं है, तो इसलिए फिर प्रेस करने में बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है। दो दिन से ये शर्ट पहनना चाह रहे थे लेकिन पहन नहीं पा रहे थे, तो इसलिए अब मैं इन कपड़ों को प्रेस कर देती हूँ। मेहू नहीं है वो परेशान करने के लिए, बाकी वो होते ना तो प्रेस वगैरह निकालने मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि वो हाथ नहीं लगा दे ऐसे, तो मैं फटाफट से कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो ये सारे कपड़े मुझे प्रेस करने हैं, ये कुर्ती है मेरी, वैसे तो मैं कुछ प्रेस करके पहन भी नहीं हूँ लेकिन फिर ना ये डांटते हैं मुझे कि तू है जैसे पहन लेती, थोड़ा प्रेस कर लेगी तो क्या हो जाएगा, इसलिए ये इसमें ना ज़्यादा ही सल पड़ गए हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।